वेरी वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, मैं मोनिका आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। तो गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो ये सुबह सुबह का टाइम है, सुबह के बज रहे हैं 6:30 और बच्चों की जो है बस आने ही वाली है। तो उन्नति खड़ी है यहाँ पर बैग लेकर, बोल रही है कि मम्मा बैग लो। तो उन्नति बैग खुद नहीं लेकर जाती है, या तो उसके पापा जाते हैं छोड़ने, वो लेते हैं, या फिर मैं लेती हूँ। तो गाइस सुबह सुबह में घर की हालत हो रखी है ख़राब, क्योंकि जल्दी जल्दी रहता है। उठ तो मैं 4:30 बजे ही जाती हूँ, पर काम होता है बहुत सारा। तो गाइस बस इस बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद मैं करूँगी सारा घर सेट। और उन्नति के पापा आज वॉक पर नहीं गए हैं, क्योंकि उन्हें जाना है आज दिल्ली, तो लेट तक सो रहे। काम आज लेट हो गया है, अभी अभी ख़त्म किया है मैंने। तो सुबह में आ गए थे इनके दोस्त, यानी कि स्कूल टाइम के फ्रेंड। तो सामने डॉक्टर हैं, तो उन्हीं से वो दवाई लेने आए थे, तो इन्होंने देख लिया, तो ये बुला लाए थे उन्हें। उनकी वाइफ भी थी, तो काफ़ी टाइम लग गया, तो काम इसी वजह से हो गया था लेट। पूजा वगैरह हमारी तब तक, वो आए थे तब तक हो चुकी थी, पर किचन ऐसे ही पड़ी हुई थी, किचन नहीं हुई थी साफ। तो जस्ट अभी अभी मैंने किचन का काम फिनिश किया है, और अभी बहुत सारी हो रखी है मलाई, तो मुझे घी भी निकालना है, और फिर दोपहर में जो है तो बच्चों के लिए खाना भी बनाना है। वो लगभग आएंगे 2:45 बजे, क्योंकि उनका स्कूल जो है तो पहले हो रही थी 12:30 बजे छुट्टी, और अब हो रही है 1:40 पर। तो अब जो है तो पूरे 8 पीरियड हो रहे हैं, पहले कम हो रहे थे, यानी कि बहुत थोड़े टाइम स्कूल था, तो अब नॉर्मली जैसे कोरोना से पहले होता था, तो वही रूटीन है। तो गाइज़ अभी वैसे थकान भी हो रही है, सुबह से 5 बजे की उठी हुई हूँ, 5 नहीं 4:30 बजे की उठी हुई हूँ मैं, और अभी तक जो है तो रेस्ट नहीं किया है, काम ही है लगातार कंटिन्यू। तो काफ़ी काम हो जाता है, पूजा पाठ में भी काफ़ी टाइम लगता है। और आज मैंने खाने के लिए भी कुछ नहीं बनाया है अपने लिए, सिर्फ मैंने थोड़ी सी चाय पी थी और मूंगफली खाई थी रोस्ट वाली, जो व्रत में खाते हैं। अभी आलू वगैरह नहीं बॉईल किए हैं मैंने, जो जीरे वाले आलू बनाती हूँ मैं, तो वो नहीं बनाए हैं। मैं बनाऊँगी भी नहीं, क्योंकि मुझे इतने पसंद नहीं है, बच्चों को ज़्यादा पसंद है, तो उन्होंने कल खाए थे, तो आज मैं नहीं बनाने वाली हूँ। तो ये है मलाई, और ये पूरा भर चुका है, तो आज मैं इसमें से घी निकालूंगी। ये लगभग 1 हफ्ते की मलाई है, तो 3 लीटर दूध आता है, तो काफ़ी हो जाती है, और दूध भी काफ़ी अच्छा है, बढ़िया दूध है, एकदम गाढ़ा, क्योंकि मैं सामने का निकलवा कर लाती हूँ। और गाइस ये हैं बर्तन, तो सुबह सुबह में बर्तन बहुत हो जाते हैं, बच्चों को भी सब्जी वगैरह बना कर दी है मैंने, आज बनाई है उनके लंच में जो दिया है वो है दी है भिंडी और रोटी। तो गाइस इतने सारे बर्तन हैं, और ये मिक्सी में रोज़ाना लौकी का जूस निकलता है, तो वो भी रोज़ाना साफ़ करनी पड़ती है। और गाइस यहाँ पर रख दिया है मैंने घड़ा, तो अब गर्मियाँ आ गई हैं, तो हम फ्रिज का पानी नहीं पीते हैं कोई भी, तो हम घड़े का पानी पीते हैं। सो गाइज़ उन्नति का स्कूल से आने के बाद हो गया है एक्सपेरिमेंट शुरू, तो फिर से यूट्यूब पे शायद कोई वीडियो देखी है, तो यहाँ पर एक गिलास में उन्नति ने पानी लिया है, तो गिलास पूछ रही थी कि मम्मा कोई प्लास्टिक का गिलास है क्या, तो ये गिलास पड़े हुए थे किचन की एक रेग में, तो मैंने इसे दे दिया, तो इसके अंदर भरा है उन्नति ने पानी, तो देखते हैं कौन सा एक्सपेरिमेंट है। तो ये शायद यूट्यूब से ही देखा है इसने, पता नहीं क्या क्या करती रहती है ये, इसका रोज़ का नया शुरू हो जाता है, नेट से देख के कुछ ना कुछ करती ही रहती है। तो गाइज़ ये जो है तो सारा जल चुका है, और जहाँ तक पानी है वहाँ तक आगे नहीं जला है, वो तो जलेगा भी नहीं, क्योंकि पानी है अंदर, तो कैसे जलेगा, आग बुझ गई है। सो गाइज यहाँ पर साबूदाने की खीर बनाने के लिए ले लिया है मैंने 1/2 लीटर दूध एक पैन में, और ये है साबूदाना, तो साबूदाना मैंने जो है तो 1 घंटा पहले भिगो कर रख दिया था, ये लगभग 1 कप साबूदाना है गाइज। तो चलिए खीर बनाना स्टार्ट करते हैं।
सो गाइस दूध हो चुका है हमारा बॉयल, अब डाल देंगे इसमें हम साबूदाना। तो गाइस इसे कंटिन्यूसली चलाते हुए पकाना है, क्योंकि ये जो है तो दूध फटने का डर रहता है। सो गाइस यहाँ पर डाल देंगे हम थोड़े से काजू और थोड़े से बादाम जो मैंने कट करके रख लिए हैं। गाइस थोड़े से डालेंगे, थोड़े फिर गार्निशिंग के लिए रख लेंगे। तो खीर हमारी लगभग रेडी हो चुकी है, साबूदाना ट्रांसपेरेंट हो गया है, ये देख सकते हैं आप सर। यहाँ पर डाल देंगे हम चीनी, तो मीठा आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो ज़्यादा डालें। तो यहाँ पर मैंने मीडियम डाला है, लगभग 3 चम्मच चीनी डाली है यहाँ पर। सो गाइस खीर हो चुकी है हमारी रेडी, तो गैस को कर देंगे बंद और इसे कर लेंगे हम एक बॉल में ट्रांसफ़र। सो गाइज इसे आप थोड़ा मतलब इसकी कंसिस्टेंसी पतली ही रखें, क्योंकि ठंडा होने के बाद होती है ये गाढ़ी। ऊपर से कर देंगे काजू बादाम से गार्निश। मम्मी एक और बना दो, कभी और रुक का रोटी ये रोज आएगा। ये कालू हो गया, कालू का तो अपना नाम निशान नहीं है। नहीं आता है, रोज आता है वो, अब वो के लिए नहीं गए कई दिन से, तो आता भी नहीं है, जब वो करने जाते हैं ना तभी मिलता है। अच्छा वीआईपी पर्सन, ये तो पहली बार आया है। नया है, ये नया क्या करने का मन हो रहा है, मम्मी के गले लगता है, प्यार आ रहा है मम्मी पे। और पढ़ाई कब होगी, कब होगी, करो फिर पढ़ाई। ओके मेरी एक सो गाइस उन्नति कुछ कहना चाहती है बोलो। आज गाइस आज की वीडियो का यही एंड करते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं जल्दी अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।